नमस्कार, आप देख रहे हैं सीआईबी इंडिया न्यूज। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल, गादीपुर हरकेश बाईपास, कप्तानगंज, आजमगढ़। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही उनका एडमिशन उज्जवल मॉडल स्कूल में कराएं। वाराणसी फ्लाई ओवर ब्रिज के गिरने के कारण 4 कार, 2 मिनी बस और 2 दर्जन गाड़ियों के साथ 2 दर्जन से अधिक लोगों के मरने को लेकर शिबली और DAV कॉलेज के छात्रों ने शिबली गेट पर दोषी इंफ्रा कंपनी का पुतला फूका और कंपनी के खिलाफ जांच कराकर FIR दर्ज कराए जाने की मांग की है। अगर FIR दर्ज नहीं किया गया तो छात्र आंदोलन को बाध्य होंगे। इसे लेकर छात्रों ने शोक सभा कर गतात्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की और मृत लोगों के परिवार जनों को 20-20 लाख रुपए मुआवजा दिलाए जाने की मांग की। मैं मोहम्मद शारिक खान, शिबली कॉलेज छात्र नेता। आज शिबली कॉलेज के नेतृत्व में बनारस की हुई घटना को निंदनीय करती है और ये चाहती है जो वहाँ पे कंपनी कंस्ट्रक्शन कर रही थी, इंफ्रा कंपनी के नाम है, उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त कार्य की जाए और जो लोग घटना में घायल हुए हैं, मृतक हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए। और हम लोग चाहते हैं, सभी छात्र नेता चाहते हैं, जो परिवार घटना में मृत हुए हैं उनको 20-20 लाख का मुआवजा दिया जाए और जो लोग घायल हुए हैं उनको भी 10-10 हज़ार की सहायता राशि प्रदान की जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लालजीत यादव, छात्र नेता, सिविल नेशनल PG कॉलेज, आजमगढ़। आज हम लोग बनारस की घटना, जो कल की घटना हुई है, उसके संबंध में आज हम लोगों ने इंफ्रा कंपनी का पुतला फूके हैं और विरोध प्रदर्शन भी हम लोग कर रहे हैं कि जो वहाँ पे दबे हैं और जो जिन लोगों की मृत्यु हुई है, हम आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि उन परिवारों को, उन पीड़ित परिवारों को 20-20 लाख रुपए की हम लोग मांग करते हैं। अगर सरकार 20-20 लाख रुपए नहीं देती है तो हम लोग बृहद आंदोलन के बाद होंगे और इसके संबंध में हम लोग DM साहब से आज मिले हैं, ज्ञापन भी भेजे हैं और हम लोग चाहते हैं कि उनके परिवार को न्याय मिले, जिससे उनके परिवार की आगे की आजीविका चल सके, जिनके परिवार के लोग एक्सपायर हुए हैं, जिनके परिवार के लोगों की मृत्यु हुई है। आजमगढ़ से CIB इंडिया न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, अंकित सिंह।